हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज क्लास नंबर 12 ऑफ ज्योग्राफी PYQs। आज की क्लास में हम बेसिकली जानेंगे नेचुरल हजार्ड्स के बारे में, या यूं कहें कि नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं जो भारत में आई हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बने हैं, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्लास रहने वाला है प्राकृतिक आपदाएँ यानी नेचुरल डिजास्टर के बारे में। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत का कौन सा तट, अब हमने तट पढ़ाए थे तो फिजिकल फीचर्स जो भारत का भौतिक विभाजन था उससे रिलेटेड हमने सवाल कराए थे। जैसे हमने गुजरात का ये तट बताया, देन इसके बाद फिर हमने कोंकण कोस्ट भी बताया, मालाबार कोस्ट बताया, ठीक है। ये अगर वीडियो नहीं देखी, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार, ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। तभी क्या है कि चीज़ें यहाँ पर एक से लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। अब यहाँ कोस्ट से रिलेटेड सवाल आया, आपको कोस्ट ही नहीं पता तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, भारत का कौन सा तट 2004 में आई सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। 2004 में सुनामी आई थी, देखने को मिले थी, और वो किस राज्य को ज़्यादा अफेक्ट किया था उसने, तमिलनाडु राज्य को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था। और तमिलनाडु कौन से कोस्ट पर है, नदन सरकार कोस्ट पर है, नहीं है, नदन सरकार तो आपका ऊपर की तरफ है। ये कोंकण कोस्ट, ये भी नहीं है, कोंकण कोस्ट तो आपका ये गोवा कर्नाटक वाला हो जाएगा। मालाबार कोस्ट, ये आपका केरल वाला तट हो जाएगा, ठीक है। मालाबार कौन सा, केरल वाला, जहाँ पर पहली बार वास्को डी गामा इसी तट पर आया था। एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था किसने, 2004 की सुनामी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट। याद रखना है 2004 के सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कोरोमंडल कोस्ट, और राज्य पूछे तो तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय हुदहुद साइक्लोन। हुदहुद साइक्लोन काफी देखने को मिला था, काफी इसका नाम सुनने को मिला था, हुदहुद चक्रवात, हुदहुद साइक्लोन। इसका नाम सजेस्ट किया था किसने, इसका नाम दिया था ओमान ने, ओमान देश ने, ठीक है। देखिए ये जो नाम दिए जाते हैं अलग अलग देशों द्वारा दिए जाते हैं, वो हम करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक में अलग से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना विस्तार से नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, और म्यांमार, ओमान, लक्षद्वीप, ये क्या है, नेम सजेस्ट करते हैं कि इस साल ये तूफान आया, इसका नाम इस देश ने सजेस्ट किया, फिर भारत ने सजेस्ट किया, इस साल पाकिस्तान ने कर दिया, इस साल म्यांमार ने, इस साल ओमान ने, इस तरह से ये नाम क्या है सजेस्ट करते हैं तूफानों के नाम। तो हुदहुद जो नाम था ये किसने दिया था, ये नाम दिया गया था ओमान कंट्री के बारे में, ओमान देश के बारे में, ओमान देश ने ये नाम दिया था, ठीक है, हुदहुद चक्रवात। और इससे अफेक्ट सबसे ज़्यादा हुआ था आंध्र प्रदेश, अगर यहाँ उड़ीसा होता तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे हुदहुद साइक्लोन से, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये दोनों राज्य क्या है काफ़ी प्रभावित हुए थे हुदहुद साइक्लोन से। कब आया था, ईयर भी याद रखना है, 2014 में ये देखने को मिला था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन। यहाँ पर सुनामी वार्निंग केंद्र या सुनामी वार्निंग सेंटर भारत में कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो इंडियन सुनामी अर्ली इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर इसकी बात करें तो ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये हुआ था 2005 में, ये मतलब काम करना इसने शुरू किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखना है,
हैदराबाद में, और हैदराबाद अब किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर इसका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इज एस्टेब्लिश्ड एट, तो IMD की स्थापना कब हुई थी? IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, न्यू दिल्ली, नागपुर, जोधपुर या पुणे में? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में ही इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी IMD की? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत में ये IMD आता है, और इसकी स्थापना 1875 में हुई। देखिए, IMD के अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होता आया है। पहले कहाँ इसका हेडक्वार्टर? 1905 में कहाँ था? पहले शिमला था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला भी रह चुका है। देन इसके बाद 1928 में ये शिफ्ट किया था कहाँ? पुणे में। उसके बाद फिर ये कहाँ है? 1944 में अब फाइनली शिफ्ट कर दिया कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कब? 1875 को। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच लिस्ट वन, लिस्ट वन में नेचुरल हजार्ड्स दिए गए हैं और लिस्ट टू में क्षेत्र दिए गए हैं, रीजन्स। तो इनको मैच करना है। एक तरफ नेचुरल हजार्ड्स दिए हैं और एक तरफ रीजन्स यानी क्षेत्र दिए हुए हैं। बाढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा किस एरिया में आती है देख लेते हैं। भूकंप की बात करें वो किस एरिया में आते हैं? ठीक है, बाढ़ किस एरिया में आती है? अगर यहाँ पर देखें, क्या हिमालयन फुटहिल जोन में बाढ़ आती है, या झारखंड और नॉर्दर्न उड़ीसा में आती है, या उत्तर प्रदेश के प्लेन और बिहार में आती है, या मिडिल ईस्टर्न इंडिया में आती है? तो यहाँ पर कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी किस लिए जानी जाती है? क्योंकि ये अपना जो यहाँ पर रास्ता है वो बदलती रहती है, ठीक है, जिसके कारण बाढ़ देखने को मिलती है। और पूर्वी भाग में भी क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको बाढ़ देखने को मिल जाएगी, बिहार में। तो ये जो एरिया है ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, बाढ़ पीड़ित एरिया है। तो फ्लड का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। फ्लड कहाँ देखने को मिलती है? प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। अगर फिर इसके बाद बात करें अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक कहाँ था? हिमालय के फुटहिल जोन में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? भूकंप देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है, जो इंडियन प्लेट है वो तेजी से मूव कर रही है, और इधर क्या है, यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट मूव कर रही है, ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय है उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है। किसी किसी बुक में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितना, 8848 मीटर माना जाता है, लेकिन न्यू डेटा के अकॉर्डिंग 8850 मीटर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। किस वजह से? जो भारतीय प्लेट है वो अभी भी क्या है, मूव कर रही है, और इसकी स्पीड क्या है, यूरेशियन प्लेट के कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, तो भूकंप कहाँ पर आते हैं? हिमालयन फुटहिल्स जोन में। इसके बाद फिर सूखा, सूखा किस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा? मिड ईस्टर्न इंडिया में। सूखा कहाँ देखने को मिल जाएगा? मिड ईस्टर्न इंडिया में। और साइक्लोन आपको देखने को मिल जाएंगे झारखंड और नदन उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है, झारखंड और, हाँ ये सही है, ठीक है, झारखंड और नदन उड़ीसा वाले रीजन में, और सूखा मिड ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक अजर्सन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। अजर्सन में बोला गया है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज्ड इन द हिमालयाज, जो हिमालय क्षेत्र हैं उसमें जो भूस्खलन आता है,
लैंडस्लाइड आती है तो वो क्या है, भू स्खलन। तो यहाँ पर क्या है, भूस्खलन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा देखने को मिलती है, मीन्स तेजी से, क्योंकि तीव्र ढलान होगा तो लैंडस्लाइड भी क्या है, तेज फ्रिक्वेंसी की होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर हैज बीन लार्ज स्केल माइनिंग इन द हिमालयज इन रिसेंट ईयर। रिसेंट कुछ सालों में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली है, लार्ज स्केल माइनिंग खनन देखने को मिला है बड़े लेवल पर। कहाँ पर, हिमालय वाले रीजन में, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, तो ये भी सही है। और जो रीजन, ये इसको क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, माइनिंग की वजह से ही जो लैंडस्लाइड है इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोन्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल बिकॉज। ठीक है, कोस्टल एरिया देखिए, ये भारत पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये अरब सागर है, इधर की तरफ क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब ऐसा बोला जाता है बंगाल की खाड़ी में क्या है, ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं और वो भारत को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, भारत के कोस्टल एरिया को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वाला तट क्या है, और बंगाल वाला क्षेत्र, ये बाढ़ से ज्यादा, ये सुनामी से ज़्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस वाले क्षेत्र से ये वाला ज़्यादा प्रभावित रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या बोला गया है, हाई टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल, या फिर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल हैज केमिकल्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एक्ट एज लॉन्चिंग पैड फॉर साइक्लोन। पहले में बोला गया है कि ज़्यादा तापमान होता है बे ऑफ बंगाल में, यह रीजन है, या फिर बे ऑफ बंगाल के पानी में, बंगाल की खाड़ी के पानी में केमिकल्स हैं जो साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, साइक्लोन बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी लॉन्ग चेन लॉन्चिंग पैड की तरह काम करती है साइक्लोन के आने में, या फिर कॉनिकल शेप ऑफ बे ऑफ बंगाल फनल्स साइक्लोन नॉर्थवर्ड व्हेन दे आर फॉर्म्ड इन द सी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो बंगाल की खाड़ी का जो पानी है अगर आप कंपेयर करोगे अरेबियन सी से, यहाँ पर थोड़ा इसका टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होती है, जहाँ पर दाब कम होता है, प्रेशर कम होता है, वहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम आपसे पूछें, ये हमारी अर्थ है, अब हम आपसे पूछें साइक्लोन की डायरेक्शन बताइए नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसे ये घड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, सुई की जो घड़ी की विपरीत दिशा में, और साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, घड़ी की दिशा में ही साइक्लोन मूव करता है। ठीक है, ये डायरेक्शन पूछी जाती हैं, इसलिए इनको नोट डाउन कर सकते हो आप। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, साइक्लोन ज़्यादा टकराते हैं, इसके पीछे रीजन है हाई टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एजर्सन दिया गया है, ईस्ट कोस्ट इज मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन दैट वेस्टर्न कोस्ट। तो अभी हमने बताया है जो ईस्ट कोस्ट है ये वाला, तो ये इधर साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट कोस्ट, बिल्कुल सत्य है। ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो पूर्वी तट है भारत का, लाइज इन द जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वो किस में लाइज करता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं कहाँ पर, ईस्टर्न, इधर वाले, ये ईस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इधर
चलती हैं, तो ये भी सत्य है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हवाओं से कोई लेना देना नहीं है साइक्लोन का, कि वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा आते हैं, ईस्ट कोस्ट में, वो ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आते हैं, वेस्ट कोस्ट में कम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र। कोयना डैम का नाम तो आपने सुना होगा, कोयना बांध कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है कोयना बांध। कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन इन नियर फ्यूचर। तो इन्होंने बोला है जो कोयना वाला रीजन है, इन फ्यूचर यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक भूकंप ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। इसके पीछे रीजन क्या है, जो कोयना डैम है वो लोकेट है कहाँ पर, ओल्ड फोर्ट प्लेन पर, मतलब यहाँ पर एक तरह से भ्रंश का मैदान है, भ्रंश घाटी भी बोल सकते हैं, घाटी तो नहीं, यहाँ पर क्या है फोल्ट वाली कंडीशन जेनरेट होती है जो कभी भी एक्टिवेट हो सकती है, और यहाँ पर भूकंप का खतरा इन नियर फ्यूचर में मंडरा सकता है। ठीक है, जैसे भुज में देखा था ना, भुज एरिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भुज में भी भूकंप आएगा, लेकिन आ गया था ना, कब, 2002-3 के आसपास, 2002 और तीन, क्योंकि दिसंबर महीने के आसपास आया था, 2002-2003 के आसपास ये भुज साइक्लोन भुज अर्थक्वेक देखने को मिला था। ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कोयना रीजन है महाराष्ट्र का ये भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। सेकंड, द कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन एन ओल्ड फोल्ट प्लेन विच मे गेट एक्टिवेटेड, वही जो अभी हमने बताया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गेट एक्टिवेटेड मोर फ्रिक्वेंटली विद चेंजेस इन वाटर लेवल इन कोयना रिजर्वायर। जो कोयना डैम है यहाँ पर क्या है, किस पर लोकेटेड है, ओल्ड फोल्ट प्लेन पर, इसकी वजह से ये यहाँ पर भूकंप देखने को मिल सकता है। तो दोनों सही है और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स फेस इज अ मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर। इन राज्यों में सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या गुजरात। तो इन सब में अगर बात करें सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है, वो उड़ीसा राज्य यहाँ पर सबसे ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है नेचुरल डिजास्टर से। जितने भी सुनामी या साइक्लोन आते हैं वो कहाँ पर, उड़ीसा तट को ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो हैदराबाद, बेंगलुरु या लातूर महाराष्ट्र है या चेन्नई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये कहाँ पर, कंट्री का क्या है पहला, इस्टेब्लिश्ड हुआ ये कहाँ पर, इस्टेब्लिश्ड हुआ लातूर महाराष्ट्र में, कहाँ पर, लातूर जिला महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, और किसके द्वारा, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा ये स्थापित किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। कब किया गया ये, पहला इंडिया का ये पहला डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कब किया गया, 1957 में। ठीक है, पहला कहाँ किया गया था, 1957 में, कहाँ पर, नागपुर में। ठीक है, लेकिन यह नागपुर ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लातूर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लातूर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी। इनमें से कौन सा एरिया हाई सिस्मिक इंटेंसिटी जोन में नहीं आता है। देखिए भारत की बात करें तो भारत में अर्थक्वेक जोन, अर्थक्वेक जोन यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं आपको, ध्यान से सुनना, भारत में टोटल अर्थक्वेक जोन कितने हैं, चार हैं,
अर्थक्वेक जोन कितने हैं? चार हैं अगर पूछा जाए तो, चार लगाना है, जिसमें आपका कौन कौन सा है, जोन टू है, जोन थ्री है, जोन फोर है और जोन फाइव है। सबसे जो सीवियर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा वो जोन फाइव में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सीवियर कहाँ पर? जोन फाइव में, जो आपका हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया, मतलब जो हिमालय के फुटहिल्स वाला एरिया है वो जोन फाइव में आता है। उसके बाद फिर इससे कम इंटेंसिटी का थोड़ा वो कहाँ है, जोन फोर में, जिसमें आपका बिहार का नदन पार्ट, ये उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, ये सब किस में आ जाता है, ये जोन फोर में आ जाता है। इसके बाद जोन थ्री आता है, फिर जोन टू आता है, यहाँ पर कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सा एरिया है? पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में क्या है, बहुत कम देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, क्योंकि ये बसाल्टिक लावा का बना हुआ है। और जो ये हिमालय वाला रीजन है, ये क्या है, यहाँ पर प्लेट अभी भी मूव कर रही है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक अभी भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, नेपाल वाले एरिया में है या हिमालय के फुटहिल्स वाले एरिया में। तो इसमें बोला गया है डज नॉट, बोला गया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी, तो इसमें आ जाएगा आपका कर्नाटका प्लेट्यू, क्योंकि ये किसका रीजन है, कर्नाटका प्लेट्यू में यहाँ पर हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलते हैं। उत्तराखंड में देखने को मिला है, कच्छ में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटका प्लेट्यू यहाँ पर देखने को इतना नहीं मिला है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सिस्मिक रिस्क जोन्स? अभी हमने बताया टोटल कितने जोन में है भारत, चार जोन में है। कौन कौन से? जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, जोन फाइव, ठीक है, चार जोन में है, ये ध्यान रखना है, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर और जोन फाइव में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ सिटीज दी गई हैं और एक तरफ सिस्मिक जोन्स दिए गए हैं, तो सिटीज और सिस्मिक जोन्स इनको मैच करना है, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। भुज की बात करें तो भुज किस में आता है? सिस्मिक जोन फोर में नहीं, ये फिफ्थ में आता है, ठीक है, सिस्मिक जोन फिफ्थ में आता है, क्योंकि यहाँ हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक देखने को मिला था इन द पास्ट। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद किस में आता है? सिस्मिक जोन वन तो होता ही नहीं है, सिस्मिक जोन टू में आता है। श्रीनगर की बात करें तो ये सिस्मिक जोन फिफ्थ में आता है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हाँ ये कहाँ पर है, हिमालय के, हिमालय पर्वत पर स्थित है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई टू में नहीं आता, चेन्नई आता है जोन थ्री में आता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर नॉट करेक्ट की जगह आप करेक्ट कर लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी, बाकी तीन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्सन दिया गया है और रीजन दिया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स इन अ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में क्या है, जो उत्तरी उत्तरी मैदानी भाग है भारत का, उसमें क्या है, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ कुछ ज्यादा देखने को मिली है, बिल्कुल सत्य है। देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ रिवर वैली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, जो नदी की घाटी है, नदी की घाटी है वो क्या है, यहाँ पर इसकी जो घाटी है इसकी गहराई कम हुई है, किसकी वजह से, यहाँ पर सिल्ट जमा होने की वजह से, ठीक है, सिल्ट जमा होने की वजह से जो नदी की घाटी है उसकी गहराई क्या है, कम हुई है, ये भी कथन सत्य है और ये कथन जस्टिफाइड करता है ए को। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि सिल्ट ज्यादा होगा रिवर वैली में, तो रिवर वैली में बाढ़ आने का खतरा ज्यादा रहता है, इसी वजह से ईस्टर्न पार्ट में, नदन प्लेन में बाढ़ ज्यादा देखने को मिली है। द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो कौन सा है, बिहार है,
यहाँ पर हमने कोसी नदी भी बताया है, बिहार का शोक बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर इसमें बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है मान लीजिए, ये आपका उत्तर प्रदेश का नॉर्थ पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, साउथ पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, तो इनमें से कौन सा एरिया ज़्यादा अफेक्टेड रहता है? तो वेस्ट तो अफेक्टेड रहता नहीं, ये सूखा ग्रस्त रहता है, विंध्यांचल, बुंदेलखंड वाला, बघेलखंड वाला एरिया, ठीक है, ये तराई क्षेत्र है और ये पूर्वी भाग है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा अफेक्ट रहता है? पूर्वी भाग ज़्यादा अफेक्टेड रहता है बाढ़ से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। नेचुरल डिजास्टर्स कोज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या ऐसा है कि जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा डैमेज करते हैं? भोपाल गैस ट्रेजडी वोज मैनमेड, जो भोपाल गैस ट्रेजडी थी वो मैनमेड थी, ये तो बिल्कुल सत्य है। इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, ये बिल्कुल गलत है, डिजास्टर इंडिया में देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमें टू और फोर मिल रहे हैं, टू और फोर, टू एंड फोर, टू फोर, इसमें टू फोर एक साथ नहीं है तो ये कट जाएगा, इसमें टू फोर नहीं है तो ये भी कट जाएगी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, टू थ्री फोर हो सकते हैं, वन टू फोर हो सकते हैं, तो थ्री तो गलत है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वन टू फोर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट वन भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, नेचुरल डिजास्टर्स कोज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिर्फ क्या है, इस यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ मैक्सिमम डैमेज डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर ये नहीं देखते कि डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड है, लेकिन यह ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट भी हमें सत्य माननी पड़ेगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ लिस्ट वन और लिस्ट टू दी गई है, एक तरफ लिस्ट वन में नेचुरल डिजास्टर दिए गए हैं, एक तरफ अफेक्टेड एरिया या रीजन दिए गए हैं। फ्लड से कौन सा रीजन ज़्यादा अफेक्ट होता है? तो फ्लड किस वाले क्षेत्र को ज़्यादा अफेक्ट करता है? प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार को, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। अर्थक्वेक ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? अर्थक्वेक आपको हिमालयन जोन में देखने को मिल जाएगा। देन सूखा कहाँ देखने को मिलेगा? सूखा आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट एंड सेंट्रल इंडियन जोन में, और सुनामी कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर वन का, ए का टू हो जाएगा और बी का वन हो जाएगा। ए का टू किस में? इसमें ही है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन तोकाते वॉज फॉर्मड इन विच ओशियन। तो तोकाते जो चक्रवात है, तऊ काते चक्रवात, ये कहाँ देखने को मिला था? बात है 2021 की, तो 2021 में ये इसने तबाही मचाई थी, कहाँ पर? गुजरात के तट पर, और गुजरात किस साइड है? अरब सागर की साइड है, तो अरब सागर में तोकाते तूफान ने तबाही मचाई थी। कौन सा राज्य ज़्यादा प्रभावित हुआ था? गुजरात और महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कौन से साल में आया? 2021 में। तो करेक्ट आंसर इसका इंडियन ओशियन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओ सॉरी सॉरी इंडियन ओशियन नहीं, अरब अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में इसने तबाही मचाई थी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ मे। मई के महीने में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो किस वजह से आते हैं? यहाँ पर साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल, या वेस्टर्न डिस्टरबेंस, या लोकल टेम्परेचर वेरिएशन, नॉर्थ ईस्टर्न विंड, तो इसमें फैक्टर है क्या? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ही ये चक्रवात देखने को मिलते हैं, लोकल टेम्परेचर वेरिएशन, यहाँ जो तापमान में अंतर होता है, तापमान में अंतर की वजह से ही चक्रवात देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये
यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, आज नेचुरल डिजास्टर भी हम यहाँ पर खत्म कर लेंगे, और कल के क्लास में हम क्या करेंगे, कल के क्लास में हम एग्रीकल्चर सोइल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट सोइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोइल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कल की क्लास में कराएंगे, और कल की क्लास थोड़ा लॉन्ग रहेगी, तो इसलिए कल की क्लास को देखना ना भूले। 8 बजे डेली 8 PM पर आपको ये क्लास मिलती है, तो कल 8 बजे तैयार रहें। ये लास्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ओखी साइक्लोन से। जो ओखी साइक्लोन है वो न्यूज में रहा था, तो किस लिए रहा था। साइक्लोन स्टॉर्म डेट हिट इंडियाज कोस्ट इन नवंबर 2017, या द फिल्म डेट वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड, द वेन्यू इन बांग्लादेश वेयर एशियन आर्चरी, या नियरेस्ट प्लेस इन डोकलाम एरिया। तो ये साइक्लोन था, ओके साइक्लोन था, और इंडिया के कोस्ट पर टकराया था कब, नवंबर 2017 में। तो ओके क्या था, एक साइक्लोन था, ये ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने टोटल 22 क्वेश्चन से देखे, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सोइल पढ़ेंगे। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर भी कर सकते हो, चैनल को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम फिर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बढ़ा देंगे। जैसे सुबह 11 बजे कौन सी इंग्लिश की क्लास चलती है, और शाम में 8 बजे यहाँ पर हम ज्योग्राफी PYQs हम यहाँ पर करा रहे हैं। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा अच्छा करें आपके लिए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल 8 बजे। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।